अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडेज रेसिपी इज़ मिक्स वेज रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और यूनिक स्टाइल में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी जो है बकरीद गई है और काफ़ी टाइम से जो है नॉनवेज बन रहा था, तो मुझे सोचा मुझे थोड़ा सा वेज भी बीच बीच में पसंद है, स्किप करके मैं अल्टरनेटली ये चीज़ जो है अपने डाइट में लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वेज की, वो आपके साथ भी शेयर की जाए और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका फ्लेवर बिल्कुल ढाबे की स्टाइल की तरह है। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, थोड़ी सी हमने प्यूरी रखनी है, तो उसके लिए हमने इसकी प्यूरी के लिए जो टमाटर है वो ले लेना है, और प्याज इसको हमने थोड़ा सा पानी बॉईल कर लिया है, और इसमें हमने एक टमाटर था बड़े साइज़ का था थोड़ा सा, इसको हमने रफली चॉप किया है और इसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है जी। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर एक ही प्याज ली है, तो इस प्याज को भी हमने रफली चॉप किया है और इसके अंदर हमें इसको बॉईल कर लेना है। अच्छा, पानी की क्वांटिटी हमें इतनी रखनी है कि ये जो है पानी इसी के अंदर सोक हो जाए, बस इतना इसमें बचे कि हम इसकी अच्छी सी प्यूरी बना सकें, ठीक है जी। इससे आपकी मिक्स वेज में एक हल्की सी जो होती है ग्रेवी सी आ जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हल्की हल्की सूखी सूखी सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती है, उसके अंदर हल्की सी ग्रेवी होगी, पानी नहीं डालेंगे हम, लेकिन जो आप देखिएगा कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये 10 मिनट में अच्छे से मेल्ट हो चुका है और पानी भी इसमें कुछ खास बचा नहीं है, हमने इसको जब ग्राइंड करेंगे तो ये पानी हमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी पानी में ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी, ठीक है। ये इसको ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे, जब तक हम बाकी सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है पैन, और इस पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच घी और 2 चम्मच ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें आप, ठीक है। अगर आप चाहें तो पूरा घी भी ले सकते हैं या फिर पूरा ऑयल भी ले सकते हैं। इसको गर्म होने के बाद हमने जो है जो बाकी सब्जीज हैं वेजिटेबल्स हैं वो आप इसको फ्राई करने के लिए हमें करना है, तो हमने सबसे पहले एक छोटा सा गोभी था, गोभी का पीस था, उसको हमने थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है और इसको हमने फ्राई कर लेना है, ठीक है। जो पहले थोड़ी सी हार्ड सब्ज़ी लगती है, टाइम लेती है कुकिंग में, वो हमने पहले डाल देना है, तो पहले हमने सबसे पहले गोभी उबाल इसमें फ्राई करने के लिए डाल दी है। इसके बाद एक आलू है, तो इसको हमने डाइस शेप में कट कर लिया है छोटा छोटा सा, वो हमने इसमें डाल देना है, ठीक है। मिक्स वेज में जो है डाइस शेप में ही काटे जाते हैं पोटैटो, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से आप किसी भी तरह का शेप रख सकते हैं, ठीक है। जब तक वो फ्राई हो रहे हैं तब तक हमने जो ये प्यूरी बनाना है उसको ठंडी हो गई थी, इसलिए अब हमने इसमें ग्राइंडर में डालना है और इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अच्छा ठीक है, मैंने इसको है ना ज़्यादा स्मूथली पेस्ट नहीं बनाया है, इसका मैंने थोड़ा सा कॉर्सली ग्राइंड किया है, ताकि जो चंक्स वगैरह आते हैं मुँह में तो वो अच्छा लगेगा खाने में, ठीक है। इसको प्यूरी बना के हम एक साइड रख देंगे और बाकी हम चलते हैं। ये देखें हमने प्यूरी बना ली है, और मैं इसको निकाल के बताती हूँ आपको कि ये एकदम से बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बना है, मतलब बारीक पेस्ट नहीं बना है, हल्के हल्के कहीं कहीं चंक्स भी हैं इसमें, तो दैट कुड बी ओके, ओके ठीक है। तो ये हमारी प्यूरी हो चुकी है, और अभी हमें फ्राई करने के लिए और भी सब्जियाँ चाहिए, तो ये हो गया हमारा आलू और गोभी फ्राई। इसके बाद हमने जो है ये बीन्स ली हैं, थोड़ी सी बीन्स हैं इसमें, ये जो है सब्जियों का जो भी आपको फेवरेट सब्ज़ी है या मौसम में जो भी, आजकल तो सारी सब्ज़ियाँ हमें 24 आवर्स और 12 महीने हर सीज़न में अवेलेबल है, तो आप आराम से इजीली आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और कुछ मसाले हम डालेंगे, और ये देखें आप थोड़ी देर बाद ये ऑयल जो है बीच में आ जाएगा, इसके बाद जो है हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे 1/2 टीस्पून, ठीक है जी। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें खड़ा धनिया, ये भी 1/2 टीस्पून जाएगा, हल्का सा सॉटे हो जाएगा, तो फिर हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। ये गया हमारा जिंजर का पेस्ट, सॉरी लहसुन का पेस्ट है, और ये अदरक का पेस्ट है, ठीक है। ये 1/2 टीस्पून गया इसके अंदर, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए 1-2 मिनट तक हम इसको सॉटे करेंगे, ये देखिए ये मिक्स हो गया। इसके बाद हम ये सारी वेजीज जो हैं वो इसको मिक्स कर लेंगे। अब चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं,
इसकी कोई लिमिट नहीं है। वेजीज़ आप जो चाहें पीस भी डाल सकते हैं, मटर वगैरह, अभी तो खैर मटर नहीं है लेकिन फ्रोज़न मटर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच हमने इसमें स्पाइसी मिर्च डाली है ताकि जो स्पाइसनेस है थोड़ी सी अच्छी हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग या एज़ पर नीड आप सॉल्ट ऐड कर दें और एक दफ़ा मिक्स कर दें, ठीक है जी। ये हमारी जो है वेजिस तैयार हो गई हैं। अच्छा, अगर हम प्यूरी नहीं बनाते तो हमारी ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो इसी तरह से रहती, सूखी सूखी सी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर और इसको भी हमें मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। तो ये मिक्स वेज तो अगर ऐसे सूखी सूखी रहती तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो हमने क्या किया है, ये प्यूरी बनाई है, इससे ये जो है थोड़ी सी हल्की सी थिक या आप कह सकते हैं मसालेदार हो जाएगी। ये देखिए जी, ये अब हमारी जो ग्रेवी है वो बॉयल्ड है लेकिन अभी ये कुक्ड नहीं है, तो इसको इतना हमें कुक करना है कि अच्छे से ये भुन जाए और इसका तेल जो है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाए, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए इसको मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देते हैं, तो ये जिससे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में आप देखते रहें, ये देखेंगे 10-1 मिनट के अंदर ये हमारा जो ग्रेवी डाली थी वो बिल्कुल ही पानी इसका ऑब्जर्व हो चुका है। और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। अच्छा जी, ये हमने जो क्रीम यूज़ की है ये हमने होममेड है, मतलब ये जो दूध के ऊपर जो बलाई आ जाती है गरम उबालने के बाद उसको हमने कलेक्ट करके और ये डाली है। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज़ करते हैं जो कि रेडीमेड आती है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी और ये देखें आप जी, रिचनेस हमारी ग्रेवी की कितनी अच्छी हो चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और लास्ट में हम इसमें एक कहना चाहिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल ढाबे की तरह हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा जो है ऑयल वगैरह जो है वो ऊपर आ चुका है सरफेस के और ये हमारी ग्रेवी अच्छे से कुक्ड हो चुकी है। अब लास्ट में क्या करना है, हमें एक पापड़ लेना है, मसाला पापड़ ले लेंगे आप और हाफ मसाला पापड़ अच्छे से भून कर इसको क्रश करके आप डाल दें, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो रिचनेस है, ग्रेवी का टेस्ट एकदम से आपको बिल्कुल ढाबे की स्टाइल का लगेगा। बहुत ही कम चीज़ें डली हैं और बेसिक से सारे मसाले हैं लेकिन आप इसका टेस्ट जो है वो अच्छे किसी रेस्टोरेंट में जो मिक्स वेज आप खाते हैं बिल्कुल वैसा ही आएगा, इनफैक्ट उससे अच्छा आएगा, ठीक है। एक दफ़ा मिक्स कर लें और गैस की फ्लेम को आप 2-3 मिनट के बाद ऑफ़ कर दें। पापड़ जब आपने डाला है उसके 2-3 मिनट तक थोड़ा सा और आप कुक करें, इसके बाद आप फ्लेम को ऑफ़ करें, दैट्स इट। तो चलते हैं हम इसको डिश आउट करने के लिए। तो जनाब, हमारी मिक्स वेज की रेसिपी बिल्कुल तैयार है और ये आपको कैसी लगी है आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको आप पूरी या पराठे के साथ या नान के साथ किसी के भी साथ खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और सारी वेज रेसिपीज़ को मेरी फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।